Now the list goes. Alka Yagnik, Udit Narayan, Hariharan, Sonu Nigam, Sunita Rao, Sukhvinder, Alisha Chennai. And now the great Asha Bhosle. Everybody, brother, everybody. Om ji, Shekhar ko isse bada jhatka kya mil sakta hai? Sau sunar ki to ek lohar ki keke, sir. Right. Khuda ki maza aa gaya. Rehman, agar apni jeet ka asli maza lena hai, to uski tulna kisi dusre ki haar se mat karo. मगर जिस आदमी ने तुमसे तुम्हारा घर छीना और जिसने तुम्हारे भाई, मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है। गुप्ता जी, सब सिंगर्स को बता दीजिए कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट में से 25% सिंगर्स को मिलेगा। जी सर। ए ब्रेन मैन, सरप्राइज सरप्राइज, फैबुलस प्लेस, फैबुलस। भाई मैं तो आपको कामयाबी पे मुबारकबाद देने आया हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, तकलीफ भी बहुत पहुंची। आखिर इंसान हो भाई। हेलो, कविता जी बात करना चाहती जी। ओम जी, कविता कृष्णमूर्ति, उनसे कहो मैं फोन कर रहा हूं। जी वो आपको फोन करेंगे। मेरी कंपनी में काम करने वाला जो मेरा दोस्त भी था, जिसे मैंने पैसे दिए ताकि वो अपने भाइयों को पढ़ा सके, वो मेरा ही बिजनेस शुरू करके मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा है, मुझसे ही गद्दारी कर रहा है रमानी जी। और गुप्ता जी, हंसी की बात तो यह है कि बात हमेशा संस्कारों की करेगा, और प्यार की ताकत पैसे की ताकत से बड़ी होती है। इस फिलॉसफी में यकीन करने वाले को आखिर में क्या मिला? अपने दोनों भाइयों से करारा तमाचा, अ स्लैप ऑन द ब्लडी फेस। दोनों भाई क्या निकले? धोखेबाज, कमीने, खुदगर्ज। सच बोल रहा हूं ना रमानी साहब, सच है कि नहीं? क्यों ओम? सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो सच बोल सके और दूसरा जो सच सुन सके। सच तो यह है कि दोस्ती और प्यार जैसे शब्दों से तुम्हारा कोई लेने देना नहीं। तुम सिर्फ पैसे की ताकत समझते हो, क्योंकि बतौर इंसान तुम खोखले हो। सच तो यह है कि हम जैसे लोग जिंदगी की शुरुआत कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप से नहीं डरते, हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते। लेकिन तुम जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी को झूठ के दायरे में समेट रखा है। तुम अपने आप से डरते हो, तुम नाकामयाबी से डरते हो शेखर। सच यह भी है कि मेरे भाई मेरी सांसों से जुड़े हुए हैं, हम तीनों को सिर्फ हमारे खून का रिश्ता नहीं जोड़ता। ओम जय जगदीश को जोड़ता है एक एहसास, प्यार का, अपनेपन का, हमारे संस्कारों का।